आरएसएस मानवता का एक ऐसा संगठन जिसे पूरी दुनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से जानती है। करीब 91 साल पहले 1925 में नागपुर में इसकी नींव रखी गई और आज दुनिया भर में संघ की 60,000 से भी ज्यादा शाखाएं फैली हुई हैं। कुछ लोग संघ को सांप्रदायिक हिंदूवादी कहते हैं तो कोई फांसीवादी, लेकिन देश की आजादी में अपना अहम योगदान देने से लेकर चीन के साथ 1962 की लड़ाई में भारतीय सेना की मदद करनी हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं में देश को संभालना, इन तमाम मोर्चों पर संघ हमेशा आगे आया है। और शायद संघ की इन्हीं खासियतों के चलते देश की युवा पीढ़ी आरएसएस से जुड़ती जा रही है। यूं तो संघ सुर्खियों में रहता है, लेकिन इन दिनों अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर संघ चर्चाओं में आ गया है। संघ की तरफ से एक लेक्चर सीरीज का आयोजन होने वाला है जिसका नाम है भविष्य का भारत। इस कार्यक्रम में भारत के भविष्य और उसमें आरएसएस की भूमिका को लेकर चर्चा होगी, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाना है। इस कार्यक्रम में खुद संघ सहचालक मोहन भागवत जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि दुनिया भर के 70 देशों को भी न्योता दिया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। जी हाँ, एशिया के ज्यादातर देश इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि संघ ने पाक को न्योता नहीं देने का फैसला किया है। इसके पीछे आरएसएस कार्यकर्ता ने बताया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का समर्थन करता आया है, सीमा पर भारतीय जवानों की हत्या करता आया है, इसलिए संघ ने पड़ोसी मुल्क को इस कार्यक्रम से दूर ही रखने का फैसला किया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो संघ पाकिस्तान को दरकिनार कर एशिया के तमाम देशों को न्योता देगा, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। भारत पाक के रिश्तों पर जमी बर्फ है जो कि पिघलने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो कि वजीर आजम इमरान खान के शपथ समारोह में शिरकत करते हैं, दोनों देशों के बीच अमन कायम करने की बात करते हैं, तो वही पाकिस्तान की तरफ से खून के एक एक कतरे का बदला लिए जाने की आवाज उठती है। वजीर आजम शांति की बात करते हैं और पाक आर्मी चीफ बदला लेने की खोखली धमकियां देते हैं। वैसे इस तरह का संघ का ये पहला कार्यक्रम है जो कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मोहन भागवत पहले दिन यानी कि 17 सितंबर को संघ की विचारधारा, विजन और प्रोग्राम के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। दूसरे दिन यानी कि 18 सितंबर को देश में आरक्षण, हिंदुत्व और कम्युनिज्म समेत कई राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर अपने विचारों को रखेंगे, और तीसरे दिन यानी कि 19 सितंबर को जनता के शॉर्टलिस्ट सवालों के जवाब देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस कार्यक्रम से दरकिनार कर संघ ने क्या सही फैसला लिया है?